जनाब आमिर भाई लिखे हैं पॉइंट्स? आमिर भाई जी सर, क्या पॉइंट लिखे हैं बताएंगे जरा? एक सेकंड सर जी, आपने जो बताया था इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। मैंने बताया था ऐसी कॉस्ट होती है जो डिफिकल्ट होता मेजर करना, जिसको कंपैरेटिव टू डायरेक्ट कॉस्ट, और ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपको ये इस तरह से फाइनेंशियली हिट पड़ी है। हाँ, कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मतलब के एक्सीडेंट हो गया जिसमें जान जा सकती है, उस सूरत में जो कंपनी पे करती है। इस सूरत में तो आपको पूरा सिनेरियो बताया ना, उसने कहा है कि एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया है काम करते हुए, ठीक है, अब उसमें बताया कि कंपनी को किस तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ेगी, तो आप मुझे बताए सिंपल वर्ड में कि आपने क्या लिखा है। मैंने तो सर लिखा है अपना फैटल एक्सीडेंट की सूरत में जो इंश्योरेंस पे करनी होती है, इनको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, तो ये आपके ख्याल में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है सर, ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, ये मैं आपको बताता हूँ। और बताएं उसके अलावा? मैं बताऊं सर इनडायरेक्ट का, मैंने भी तो कुछ लिखा है। पहले आमिर भाई को कंप्लीट करने दे अपनी बात, फिर आप बताएं। उसके बाद सर ये जो मतलब के उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब उसके इंजर्ड होने के ऊपर, ये मतलब फर्स्ट एड के, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। चले मैं डिस्कशन करते हैं इस पे, कोई नहीं आपको समझ आ जाएगा, अभी डिस्कशन होगी। आप बताएं जनाब सुलेमान भाई, आपने क्या लिखा है? सर पहले तो ये कि कंपनी की ना फेस वैल्यू डाउन हो जाएगी। फेस वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि कंपनी का नाम मार्केट में खराब होगा क्योंकि वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएगी, ठीक है, ऑर्डर को ड्यू टू द एक्सीडेंट। दूसरा सर ये हो सकता है कि अगर एक कंपनी ने कोई ऑर्डर लिया हुआ था और उस ऑर्डर को बनाते हुए वो एक्सीडेंट हो गया है और वो टाइम पे वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, तो वो ये भी हो सकता है कि वो जो हमारा वो था अकाउंट जिसने मतलब हमें ऑर्डर दिया हुआ था वो हम पे वो मतलब पेनल्टी डाल दे। बिल्कुल, पेनल्टी क्लॉजेस एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेशन ऑफ पेनल्टी क्लॉजेस। जी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और तीसरा ये भी हो सकता है सर जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मतलब हर जाने का क्लेम कर दे, जैसे करते नहीं है सर। ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट है। और सर मोरल डाउन होता है वर्कर्स का, हाँ ये कह सकते हैं आप। और सर टाइम जो जाया होता है नया बंदा हायर करने में, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट। न्यू हायरिंग कॉस्ट, ये बिल्कुल इनडायरेक्ट कॉस्ट में है। न्यू हायरिंग करना और उस बंदे को फिर ट्रेनिंग करना, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है। और उसको ओवर टाइम भी देना पड़ेगा सर, वो भी इनडायरेक्ट में आ जाएगा ना? नहीं, वो तो टाइम डायरेक्ट में आएगा, ये मैं आपको बात समझाता हूँ। बहरहाल आपने काफी अच्छे पॉइंट लिखे हुए, अच्छा है। राव भाई आप बताएं। अच्छा आपने मुझे अहमद भाई डेड कॉस्ट का कहा था, इसमें हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह का दवाई शवाई का जो भी खर्चे हैं वो आ जाएगा। दूसरा अगर मिसाल के तौर पे वो इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके ज्यादा बात है कंपनी के बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना, कि उनकी फैमिली को क्या देना उसकी डेथ के बदले क्या, वो भी। सेकंड हमारा जो लीगल यानी कि अगर उन पे केस हो जाता है लीगल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, फिर जो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होगी उसके खर्चे अलग होगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने बताया था इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और बताएं चलो लीगल एक्सपेंसेस, उसके अलावा फिर आपने एक्सेस प्रीमियम को बताया था, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो था उन्होंने जारी बात है सेट किया होते प्रीमियम, हां वो हमारे उसमें आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके भी सर एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं जो जारी बात, जब ये चीजें बढ़ेंगी तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन होंगी, उनके भी एक्सपेंसेस बनेंगे, आउट ऑफ बजट होंगे सारा कुछ, ये चीजें डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है हमारी, ठीक हो गया। अच्छा भाइयों अब जरा मेरी बात गौर से सुन लें, ठीक है, कान खोल के, कि जब एक हादसा होता है, हादसा ऐसा हुआ है जैसे कि इन्होंने बताया किसी को इंजरी आ गई या इंजरी आने के चांस थे, तो हादसे की सूरत में कंपनी को पड़ती है कॉस्ट, यानी कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ये बात तो क्लियर है सबको, यहां तक बात समझ में आती है? यस, ठीक हो गया। अब वो जो कॉस्ट है वो दो तरह से कंपनी को इफेक्ट कर रही होती है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो मेजरेबल कॉस्ट होती है, ज्यादातर वो आपको पता होता है कि ये कॉस्ट आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है,
और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो मुश्किल होता है मेजर करना, वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आप देखते हो कि आपका कितना नुकसान होगा फ्यूचर में, तो उसको कभी भी प्रिसाइजली आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है। हम कहानी शुरू से शुरू करते हैं, एक हादसा हुआ, हादसे की सूरत में अगर वो कंपनी की गलती है तो कंपनी को या कंपनी के मालिक को फाइन्स हो सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रोसिक्यूशन का पीछे पढ़ा था कि फाइन्स हो सकते हैं, कंपनी को फाइन होगा क्रिमिनल कोर्ट में, तो एक तो ये कॉस्ट पड़ेगी। फिर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो वर्कर इंजर्ड हुआ है, अब उसकी इंजरी की सूरत में उसको कंपनसेशन अगर वो क्लेम करता है तो कंपनसेशन विक्टिम को देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या ये कंपनसेशन कंपनी देगी, इसका कोई जवाब देगा मुझे? साइड इंजरी तो सर कंपनी देगी ना। और कोई बताना चाहेगा इसको ज्यादा एलिबरेट करके, किसी को आइडिया हो? सर रिपीट कीजिएगा, आवाज सही नहीं समझ नहीं मुझे। मैंने कहा कंपनसेशन जो वर्कर को मिलेगी वो कौन देगा सर? अगर इंश्योर्ड होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर नहीं होगी तो कंपनी खुद देगी। इंश्योर्ड ही होती है, ठीक है, तो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। आमिर भाई ठीक हो गए सर? इंश्योरेंस कंपनी देगी, लेकिन होगा क्या, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर में से ये दे रही होगी तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। समझ आई आमिर भाई बात? ठीक सर। सलमान भाई क्लियर है? जी सर, जी सर। उस केस में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। राव भाई आपको कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? नहीं सर क्लियर है। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि वो जो कंपनसेशन है वो कंपनी अपनी जेब से दे दे ताकि जो प्रीमियम है वो हमारा ना बढ़े? नहीं, क्योंकि आपका एग्रीमेंट होता है ना, आप एग्रीमेंट करवाते हो, वो वो जो आप जब इंश्योरेंस ले लेते हो तो सब चीज इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। और वो जो प्रीमियम अमाउंट है मेरे भाई, वो जो कंपनसेशन इतनी लमसम अमाउंट देनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी नहीं इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं एक साथ करती, तो वो उसके नजर में वो प्रीमियम ही बेहतर होता है, जो थोड़ी थोड़ी मिकदार में उसको मंथली बेसिस पे देना पड़ता है, ठीक है सर? सही हो गया सर। किसी भी कंपनी के लिए ना पेमेंट इन हैंड सबसे बड़ी चीज होती है, तो आप अक्सर देते हो ये कंपनीज बाहर की कंपनियां गाड़ियां भी देती है ना जब अपने एम्प्लॉयज को, तो बैंक से निकलवा के देती है, ठीक है, कभी भी फुल पेमेंट नहीं करती है। फुल पेमेंट ना करने की ज्यादातर कंपनी यही वजह होती है कि वो कैश इन हैंड रखना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, बजाय कि एक पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट बात, वर्कर इंजर्ड हुआ है तो वर्कर को फर्स्ट एड भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो जिसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर वर्कर इंजर्ड होता है, इंजरी की सूरत में उसको छुट्टी करेगा और उसको छुट्टी की सूरत में सिक पे मिलेंगी, वो भी कौन देगा? कंपनी देगी, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, ठीक है। फिर ये तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, वर्कर इंजर्ड हुआ उसको फर्स्ट एड दी, वर्कर इंजर्ड हुआ उसको सिक पे मिलेगी, और फिर जब तक वो बीमार है उसकी रिहैबिलिटेशन हो रही है, यानी कि वो रिकवर जब तक कर रहा है तो रिहैबिलिटेशन कॉस्ट भी कंपनी पे करेगी, ठीक है। ये तो हो गए डायरेक्ट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्कर। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का भी तो लॉस हुआ है ना, कंपनी का इक्विपमेंट और बिल्डिंग डैमेज हुआ है, उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, या अगर कोई इक्विपमेंट प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, ठीक। अगर आपकी वहां पे प्रोडक्ट है उसका डैमेज हुआ है, या वो आपकी प्रोडक्ट काबिले इस्तेमाल नहीं रही है, उसके उस पर जो कॉस्ट आएगी आपकी। फिर आपका टाइम लॉस हुआ है, सबसे बड़ी बात प्रोडक्शन टाइम लॉस हुआ है। ये मैंने आपको बात बताई थी कि अगर एक कंपनी ने ऑर्डर दिया हुआ है दूसरी कंपनी को कि आप हमें इतनी मिकदार में ये चीज चाहिए, और वो मुझे 30 सितंबर तक चाहिए, मुझे 30 सितंबर तक जनाब क्रिकेट बैट चाहिए, 10,000 क्रिकेट बैट चाहिए मुझे, और मुझे जो है मैंने सुलेमान भाई की कंपनी को ऑर्डर दिया था, वो अपने टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई ड्यू टू एक्सीडेंट, उनके गोदाम में आग लग गई या कोई फेटल एक्सीडेंट इस तरह का हो गया जिसकी वजह से मैक्सिमम उनके नागहानी कोई आफत हो गया, उनके वर्कर जो है मैक्सिमम काम नहीं कर पा रहे, जैसे पानी आ गया था अभी कराची में, इस वजह से भी तो हो सकता है ना काम डिले, ये भी एक नेचुरल कैलामिटी है, कोई भी नागहानी आफत आ जाती है मैं टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता, तो प्रोडक्शन टाइम लॉस हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, और फिर उस प्रोडक्शन टाइम लॉस को पूरा करने के लिए ओवर टाइम भी मुझे लगाना पड़ेगा।
अब वर्कर को ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, तो दो तरह से मुझे कॉस्ट पड़ी है। एक तो मेरा प्रोडक्शन टाइम लॉस आ रहा है, यानी वो वाला जो टाइम लॉस हुआ उसकी भी तनख्वाह में दे रहा हूँ लोगों को, और फिर ओवर टाइम भी लगाऊंगा, ओवर टाइम की भी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, क्लियर है बात? तो ये आपकी सारी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। देखिये, इनडायरेक्ट कॉस्ट की सूरत में जब हादसा होता है तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान में आती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आप रिपोर्ट्स तैयार करोगे, अगर कोई इंजर्ड वर्कर हॉस्पिटल में है उसे हॉस्पिटल जाके मिलोगे, उनके रिश्तेदारों से मिलोगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स भुगतोगे। और ये कौन भुगत रहा होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की सर। और कंपनी अपने किसी ऐसे बंदे को जो कॉम्पिटेंट होगा उसको अपनी ड्यूटी से हटा के, उसकी प्रोडक्टिव ड्यूटी से हटा के उसको इस काम में लगाएगी। तो कंपनी का फिर भी लॉस ही हो रहा है ना, एक बंदा जिसने और भी काम करने थे वो इन चक्रों में पड़ा हुआ है। ठीक है, वर्कर का मोराल डाउन होगा जब एक वर्कर देखेगा कि यार ये इस कंपनी में हमारे हम पैसा कमाने के लिए आते हैं लेकिन हमारे साथ वाला कोलीग उसको इतनी सीरियस इंजरी हुई है, हत्ता के जान भी चली जाती है, तो ऑब्वियसली उनका मोराल डाउन होता है। मोराल डाउन होने से क्या होता है, काम की क्वालिटी इफेक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी स्पीड इफेक्ट होगी, काम की एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, अल्टीमेटली कंपनी को ही नुकसान होगा। फिर हादसा होता है, हादसे की हमने देखा इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि जी हमारा मटेरियल में कोई मसला था जिसकी वजह से हादसा पेश आया, या इक्विपमेंट में कोई मसला था तो हमें, या हमारे कंट्रोल मीजर इफेक्टिव नहीं थे, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में जो रेमेडियल एक्शन के लिए कहा जाता है, जिन इकदाम के लिए कहा जाता है कि आपको ये इकदाम करने चाहिए ताकि दोबारा यह हादसा पेश ना आए, तो उन इकदाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना, ऐसा है कि नहीं है? कंट्रोल में ये लगाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, आपको कोई लीगल नोटिस आता है, कोई इन्फोर्समेंट नोटिस आता है अदालत की तरफ से, उसको फॉलो करोगे, उस पर आपका पैसा खर्च होगा। आपके वर्कर अब जो काम वाले थे वो इंजर्ड हो चुके हैं, आपका जिसने ये बताया इंजर्ड एम्प्लॉई है, तो उस इंजर्ड एम्प्लॉई के बदले में आपको कोई नया स्टाफ हायर करना है, रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट तो करनी है, उसकी हायरिंग में रिक्रूटमेंट में जो डिफिकल्टीज आएंगी वो अलग है। फिर वर्कर को ट्रेन भी करना है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग भी कॉस्ट आएगी। आपको पता है एक नया वर्कर है उसको ट्रेनिंग भी रिक्वायर है, तो ट्रेनिंग पे भी कॉस्ट आएगी। अब बात आती है कि जी आपकी फेस वैल्यू, जो हम फेस वैल्यू का वर्ड यूज करते रहते हैं बार बार, इफेक्ट होगी। तो कस्टमर्स को जब आप टाइम पे ऑर्डर नहीं दोगे तो आपकी गुडविल नहीं खराब होगी कस्टमर के साथ? आपने एक टाइम दिया होता, आप अपने कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पा रहे ड्यू टू द एक्सीडेंट, तो आपकी अपने कस्टमर से भी गुडविल खराब होगी। उस एक तो गुडविल खराब हुई, एक क्योंकि आपने वादा किया हुआ था, वादे के खिलाफ आपने कानूनी एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ था कि आप क्या करोगे, पेनल्टी क्लॉजेस दो, पेनल्टी दोगे अगर आप टाइम पे डिलीवर ना कर पाए, तो वो एक्टिवेशन ऑफ पेनल्टी क्लॉजेस भी होगा। आपकी पब्लिक इमेज और बिजनेस रेपुटेशन, यानी जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, वो डाउन होगी। आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क आता है। क्लियर है बात? Yes. ये मैं आपके सामने मैंने सेपरेट करके लिखे भी हुए हैं, मैं दूसरी साइड पे मैं वो भी आपके सामने एक दफा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात मैंने कहाँ पे हाईलाइट की। ये देखें डायरेक्ट कॉस्ट एक दफा पढ़ लीजिए, ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं तकरीबन यही है। ये पढ़ते हुए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने समझना है चीजों को, ओपन बुक आपका एग्जाम होना है, तो सिर्फ समझने के लिहाज से चीजों को पढ़ें, ठीक है, कि क्या क्या कॉस्ट आएगी इसमें और क्यों क्यों आएगी।
डायरेक्ट कॉस्ट भी देख लीजिए, ठीक है भैया। सर जी एक सवाल क्वेश्चन आया मेरे जेन में अभी, जी जी मतलब कि सर थोड़ा बताइएगा। इसी तरह ना सर अभी पिछले दिनों में हमारे साथ एक और कंपनी काम करती है, जी तो उधर बल्दिया ने सर छापा मारा उनके कैंप के ऊपर ना, क्या तो कुछ कोरोना की वजह से सर मतलब कि उन्होंने बोला था कि बताया था कि एक रूम में 4 से ज्यादा अफराद ना रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना कोई सफाई का इशू बनाया और किचन का इशू बना के वो 20,000 रियाल ग्रामा करके गई है, ठीक है हो ठीक गया। है। अब ये जो कास्ट है सर ये किस में आएगी? ग्रामा किस वजह से हुआ, रीजन क्या थी? रीजन कह लो कि सर मतलब कि कोई अपना बेहतर इकदाम नहीं थे, मतलब जिस तरह वो कह रहे थे कि जी अपना कम से कम एक चारपाई का फासला जो है 2 मीटर हो, ठीक है, एक रूम में आठ आठ लोग रह रहे थे, उसके अच्छा अलावा ठीक है, समझ आ गई। कोई ठीक है, ठीक 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 उधर लॉ उन्होंने कानूनन ये कहा था कि 4 बंदे रहे और 4 बंदे नहीं रहे, तो आपने एक वर्ड जी। पढ़ा है फाइन्स इन क्रिमिनल कोर्ट्स, पढ़ा है ना? वो किस कॉस में था? यस सर वो डायरेक्ट डायरेक्ट, कॉस्ट में था सर। ठीक तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा आपके पास, जिसका देखो हो मैयरेबल गया, कॉस्ट है ना, मैयरेबल कॉस्ट है, आपको पता है 20,000 रियाल ठीक के ही हो फाइन हुए। ठीक गया, जी 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 ठीक है, हो गया। तो वो मैयरेबल कॉस्ट में आएगा। वैसे ये फॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं हुई कि आपको पता है सऊदीया वगैरह में तो ये फॉर्मल नहीं करते, बट सीधा सीधा चलान ठोकते हैं, लेकिन जी सर एक प्रॉपर इसको डिफेंड, इस तरह के केसेस में ना जो यूके है या इस तरह के कंट्रीज जो हैं वो प्रॉपर मौका देती हैं डिफेंड करने का, सही ये तो फिर वो प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है और क्रिमिनल कोर्ट्स में जाके फिर फाइन होता है अगर साबित होता है। अच्छा ठीक ये जरा पढ़ें पहला पॉइंट, और इसमें मुझे बताएं पहला पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या समझ आता है, किस किस को क्या समझ आ रहा। जनाब सर यही है कि एक टेक्नीशियन होता है वो इंजरी उसको होते होते रह जाती है, जब वो एक बेंच के नीचे से डाइव करके जा रहा होता है और एक जो वॉल्व होता है वो ब्लो हो जाता है, वेसल ब्लोस बड़ी उल्टी डिजाइन कहानी डिफेक्ट की सुनाई वजह आपने। से। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ की इम्प्लीकेशंस क्या है। क्रिमिनल लॉ भी आपको पता लग गया, जो अदालत में जाते हो केस भुगतते हो जिसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई हमने देख ली है किसका होती है। जबकि सिविल लॉ क्या कहते हैं, सिविल लॉ होता है हर्जाने के लिए, ठीक है। सिविल लॉ में मैक्सिमम सजा ये हो सकती है कि कोर्ट आपको सिविल कोर्ट हर्जाना करेगा, इसके अलावा और कोई सजा नहीं होगी, ठीक है। यानी मैं एक साइड पे काम करूं, आमिर भाई साइड पे काम करे, राव भाई साइड पे काम करे, अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इनके किसी साइड पे काम करते किसी वर्कर को इंजरी आती है, ठीक है, तो सिविल कोर्ट में जाके वो क्लेम कर सकता है कि ये जो मुझे इंजरी आई है ये ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ माय एम्प्लॉयर आई है। यानी ये इंजरी की वजह क्या थी कि मेरे एम्प्लॉयर ने सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, ठीक है, इसलिए इसको चाहिए कि मुझे कंपनसेशन दे, मुझे हर्जाना पे करे, ठीक हो गया बात। तो आपने इन स्टेटमेंट्स में ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनको रीड आउट करना है और मुझे बताना है कि किस जगह पे सिविल कंपनसेशन या बनती है और किस जगह पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़े हैं
वो ये है कि एक टेक्नीशियन है, वो इंजरी से बाल बाल बच जाता है. कैसे बच जाता है? वो एक बेंच के नीचे चला जाता है, डाइविंग अंदर है बेंच, ठीक है. और हादसा क्या पेश आया है, एक वेसल ब्लो कर चुकी है डिजाइन डिफेक्ट की वजह से. जब वेसल ब्लो की थी तो उसके डिब्रीज यानी उसके टुकड़े उठ के आए होंगे, ठीक है, जो लग सकते थे टेक्नीशियन को, लेकिन क्योंकि वो बेंच के नीचे छुप गया तो इस वजह से उसको चोट नहीं आई. तो आपके ख्याल में इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है हुआ है, सिविल लॉ का ऑफेंस हुआ है, क्या हुआ है? बताएं बताएं, ज़हन पे जोर डालें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सर ये डिजाइन का डिफेक्ट है तो डेफिनेटली कंपनी पे बात आएगी ना, यानी क्रिमिनल ऑफेंस है. गुड, कंपनी ने डिजाइन करना था ना, डिजाइन सेफ्टी का पार्ट है ये, ठीक है. सेफ्टी की चार ब्रांचेस होती है, डिजाइन सेफ्टी, प्रोसेस सेफ्टी, प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड जनरल सेफ्टी. ये डिजाइन सेफ्टी का पार्ट था जो उनको मैनेज करना था, उन्होंने नहीं किया, ठीक. और वर्कर को कंपनसेशन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इधर लिखा हुआ है अ टेक्नीशियन एस्केप्स इंजरी, यानी उसको इंजरी नहीं हुई. अगर तो उसको इंजरी हो जाती तो तब उसको कंपनसेशन के लिए भी वो क्लेम कर सकता था. समझ आइए बात की? जी सर. अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें जरा. सर ये भी कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी में आएगा, क्रिमिनल उसमें, और उसे कंपनसेशन भी मिलेगी. और अपना रिव्यू देना चाहेगा सलमान भाई के अलावा? आमिर भाई आप नहीं कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मैं सर पढ़ रहा हूँ. देखिए सिंपल सी स्टेटमेंट है, सेफ प्लेस ऑफ वर्क नहीं है. एक 12 साल का लड़का है जो कि खेलते खेलते एक ऐसी बिल्डिंग के पास आ चुका है जिसकी फेंसिंग नहीं हुई और उस बिल्डिंग में खड्डा खुदा हुआ है, पिट खुदी हुई है जिसमें वो गिर जाता है. अब इसमें किसकी गलती है? कंपनी की गलती है कि उसने अपनी फेंसिंग क्यों नहीं की हुई, ठीक है. अब बच्चा अगर गिरेगा तो वो सिविल हर जाना, सिविल क्लेम भी कर सकता है और कंपनी का क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ठीक है. अगली स्टेटमेंट पढ़ें, इससे अब आपको और क्लैरिटी आएगी कि सिविल क्लेम कब होता है और कब नहीं होता. अच्छा इसमें कह रहा है अ मशीन ऑपरेटर इज ब्लाइंडेड इन वन आई बाय अ कोलीग ट्राइंग टू हेल्प हिम रिमूव अ जैम पार्ट यूजिंग अ हैमर. एक मशीन ऑपरेटर एक अपनी आंख गवा बैठा है. क्यों? क्योंकि उसका जो कोलीग था उसने कोशिश की है कि जो मशीन, एक मशीन वो चला रहा था, कोई भी, अब मशीन का उन्होंने नाम नहीं बताया, वो कह रहा मशीन जाम हो गई थी. जैम्ड होने की वजह से एक दूसरे वर्कर ने उसको हथौड़ी का इस्तेमाल किया, हैमर का इस्तेमाल किया कि उस जैम पार्ट को निकाले और मशीन दोबारा से काम करे. लेकिन वो बता रहे हैं कि देयर इज अ सेफ वे टू रिमूव द जैम पार्ट. इस जैम्ड पार्ट को निकालने का एक सेफर ऑप्शन भी था जिसमें विच डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ हैमर, जिसमें हथौड़ा यूज करने की जरूरत नहीं थी. और जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं एंड द एरिया दे आर इन इज अ मैंडेटरी आई प्रोटेक्शन जोन. उसमें ग्लासेस पहनना, आई प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, सेफ्टी ग्लासेस पहनना वहां पे जरूरी है. तो इस सारी सिचुएशन को समझते हुए मुझे बताएं किसकी गलती है अगर आंख जाया हुई है तो, वर्कर की या एम्प्लॉयर की? वर्कर की गलती है. वर्कर की गलती, वर्कर की है. क्यों? क्योंकि वर्कर ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है. तो इसमें सिविल कंपनसेशन नहीं बनेगी, ठीक है. वर्कर की गलती है, उसको जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई थी उसने फॉलो नहीं की. लास्ट स्टेटमेंट है A scaffolder is electrocuted when the pole he is carrying touches a live overhead cable. Scaffolding का तो सबको पता है ना क्या होती है? Yes sir. ठीक है. Scaffolding में piping scaffolding भी होती है. आपके पास ज़्यादातर pipes scaffolding use हो रहे होते हैं. इसमें coupler वगैरह आपके पास इस्तेमाल होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि एक pipe लेके जा रहा था, live pole के साथ वो टकरा गया. Obviously वो जब टकराएगा तो current लगेगा, electrocution होगी.
جو سکیفولڈر ہے وہ کام کرتا ہے ایک کانٹریکٹنگ کمپنی کے لیے جو کہ آگے ایک فیکٹری اونر کے لیے کام کر رہی ہے, یعنی کہ کانٹریکٹر نے آگے فردر کانٹریکٹ سب کانٹریکٹر کو کام دیا ہوا ہے. اب سکیفولڈر کی یہاں پہ اگر کرنٹ لگا ہے تو اس میں غلطی کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو جس بندے نے اس کو کام دیا ہے اس کی غلطی ہے کہ اس کو پراپر بتایا کیوں نہیں ہے کہ اوور ہائٹ کیبلز ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح کندھے پہ اٹھا کے لہراتے ہوئے نہیں جانا, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. اس کو جو بھی چوٹ آئے گی, انجری آئے گی, اس کی کمپنسیشن اس کو پے کرنی پڑے گی, اور یہ کرمنل آفینس بھی ہے کہ اس کی سیفٹی کا وہ خیال نہیں رکھتا. اگر اچھا آپ مجھے ذرا بتائیں, ریویژن کریں جلدی جلدی سے کہ واٹ آر ٹو مین اسٹینڈرڈز دیٹ دی آئی ایل او ہیز پروڈیوس فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی, what do countries do with these standards, kaun se do standards hain aur countries in standards ko kaise istemal karti hain? sir ek c155 tha, ilo ki convention c155 aur r164 mere khayal se, aur dusri hai ilo ki recommendation r164. aur ye jo aapke paas standards hain ye kis liye countries istemal karti hain, iska kya istemal hai countries ke liye? بھائی جان سر بس ایک اسٹینڈرڈ دے دیتے ہیں اپنی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. میرے بھائی وہ کنٹریز اس کو میں نے ابھی آپ کو یہ کافی دفعہ بات بتائی ہوئی ہے, اگر آپ یاد کریں کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے انہیں اسٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہوئے جو کنٹریز ہوتی ہیں اپنے لاز بناتی ہیں, قانون بناتی ہیں, یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ امپلائرز کی رسپانسبلٹیز ہم نے کافی زیادہ پڑھی تھی, کچھ 4-5 تو بتائیں ایٹ لیسٹ. دینا جو کہ سیف ہوں, ویلفیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, ایمرجنسی ریسپانس پروسیجر بنا کے دینا, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دینا وداؤٹ چارج, ان سے پیسے اس کے چارج نہ کرنا, ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کو ایسے مینیج کرنا جو ان کی فزیکل یا مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ نہ کرے, یعنی کہ ایکسٹریم فزیکل اینڈ مینٹل فٹیگ ان سے اوائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ان کو کمپلائنس کے حوالے سے بتانا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریگارڈنگ لیگل ایشوز کیا ہے, اس کے حوالے سے ٹریننگز دینا, ٹھیک ہے؟ تو امپلائر کی یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھے. امپلائیز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ورکر کی کیا رسپانسبلٹی؟ اگر اپنا خیال کرے, اپنے ساتھ اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس کا خیال کرے, گڈ, کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے اسے رپورٹ کرے, اگر وہ بیمار ہے تو وہ بھی رپورٹ کرے اپنے ایل ہیلتھ کو, ایل ہیلتھ کو رپورٹ کرے, یا اگر کوئی وہ سائٹ پہ ہیزرڈ دیکھتا ہے تو ان کو بھی, اور جس کو اس کو پتا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرے تو اپنے مینجمنٹ کو اس کو رپورٹ کرے. اور رپورٹنگ کرے سر, وہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کو ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی پی جس طرح کر رہا ہے تو آپ نے بولا تھا کہ 100% ٹائی آف کرے اگر وہ ہائٹ کا کام کر رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ہم جنرل بات کر رہے ہیں نا, تو ہم یہ پھر تو ہم ہر سچویشن کنسیڈر کرنے شروع ہو جائیں گے. ہم اس کو جنرلائز وے میں آپ آنسر کر سکتے ہو کہ وہ سارا سیفٹی اکوپمنٹ یوز کرے, اس کو ٹیمپر نہ کرے, ٹھیک ہے؟ سیفٹی اکوپمنٹ کو اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز یوز کرے, اس کو ٹیمپر نہ کرے, جو بھی انسٹرکشنز جو بھی پروسیجرز اس کو امپلائر کی طرف سے سکھائے گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے فالو کرے. اچھا جب آرگنائزیشن قانون توڑتی ہے, واٹ ایکشن کڈ بی ٹیکن اگینسٹ آرگنائزیشن بریکنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا, جو آرگنائزیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین کو توڑتی ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ سزا بھی ہو سکتی ہے, فائنز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں سر ان کو, اور وہ آرگنائزیشن بلیک لسٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر ان کو ہو سکتا ہے اس کی صورت میں فائن دینے پڑے, کمپنسیشن دینی پڑے, ٹھیک ہے؟ اور اگر انڈیویجول کی اگر آرگنائزیشن کے مینجمنٹ کی بات کر لیں تو ان کو امپریزمنٹ بھی جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا ٹھیک ہے بھائیو, آج کے لیے اتنا ہی ہے. کل جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل ہم نے دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن میں کس بندے کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے, یعنی ہم اگر امپلائر کا ورڈ بار بار بولتے ہیں تو امپلائر کی کیا بیسک رسپانسبلٹیز ہیں, امپلائی کے نیچے جو مینیجرز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے,
टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम मैनेजमेंट तक हम हर बंदे की जिम्मेदारी समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस बंदे का क्या रोल है, और क्योंकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को पढ़े हैं, हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और वर्क प्लेस सेफ्टी को पढ़े हैं, तो हमने स्ट्रिक्टली बात करनी है सेफ्टी से रिगार्डिंग, कि सेफ्टी से रिगार्डिंग इन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बात ठीक है? तो जब भी आपने डिस्कशन मेरे साथ करनी है तो आपने सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू बना के सेफ्टी को कंसिडर करके करनी है, ना कि आप उसके और मामलात में घुसने शुरू हो जाओ। वैसे डिस्कशन करेंगे तो बहुत से मामलात पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हमने स्टिक रहना है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग। ठीक है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज टॉपिक जो हमने पढ़ा है, आप रीड आउट करें। अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, कि अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता। ठीक है? तो जब भी मैं मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। दूसरा सर वो लिंक कर दीजिएगा सेंड। मैं अभी इसका सेव करके ना अभी आपको अपलोड करता हूँ, और अपलोड करने के बाद ग्रुप में फिर लिंक शेयर कर देता हूँ। वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है? लेक्चर को ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।